दिल्ली में एलजी के ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम के तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हाथों में फ्लैग है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि एलजी साहब शिक्षकों को फाइनल एग्जाम दो। फिनलैंड में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है शिक्षकों का, उसको एलजी ऑफिस ने जो वापस भेजा है उसको लेकर के ये सारा प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हमसे बात करते हैं। साहब, ये प्रदर्शन आप एलजी से अपनी मांगों को मनवाने के लिए कर रहे हैं, ये जो आप लेकर के आए हैं, क्या लगता है आपको, आपके प्रदर्शन से मान जाएंगे एलजी साहब, शिक्षक जाएंगे? ये शिक्षकों को जाने चाहिए, जाने देने चाहिए एलजी साहब को, रोकना नहीं चाहिए। बच्चे पढ़ के आएंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, और आम आदमी पार्टी चाहती है कि बच्चे पढ़ के आए। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी चाहते हैं कि बच्चे पढ़ के आए। एलजी साहब कह रहे हैं कि ये हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, मना नहीं किया है, हमने बस ये कहा है कि इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितना है, कितना खर्चा हो रहा है, इसको देख लीजिए एक बार और देश में कोशिश कीजिए ऐसी ट्रेनिंग करें। एलजी साहब तो हर काम, आम आदमी पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हर काम को रोकते हैं, वो काम कोई सा हो। आप बताइए, ये इतनी देर से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये प्रदर्शन करने से या दबाव बनाने से फिनलैंड वाली जो फाइल है वो क्लियर होगी, शिक्षक जाएंगे? ऐसा है, अगर एलजी साहब का, मैं चाहती हूँ दिमाग सही हो जाए। वो एक्चुअली में एलजी साहब दिल्ली के नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी के हैं। एलजी साहब को ये चाहिए कि बच्चों को पढ़ने दें, फिनलैंड जाने दें, ताकि हमारे यहाँ अच्छी शिक्षा हो। जब भी अच्छी शिक्षा और चिकित्सा का मामला होता है, कोई ना कोई बीजेपी वाले किसी ना किसी के साथ मिलकर कोई ना कोई फंडा डाल देते हैं जो गलत है। एलजी साहब मुझे लगते हैं अनपढ़ गवारा, जो उनको बीजेपी कह देती है वो करते हैं जो गलत है। साफ आरोप है आम आदमी पार्टी के समर्थकों का कि यहाँ पर एलजी का रोल जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर हो रहा है, और आप देख सकते हैं अब आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो पहली बैरिकेड की तरफ चले गए हैं। पुलिस उधर से अनाउंसमेंट कर रही है उनको रोकने के लिए, और अब नारेबाजी तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस ने दो बैरिकेड लगा रखे हैं, इसके पीछे भी एक और बैरिकेड है, और तमाम की तादाद में पुलिस फोर्स इन कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोकने के लिए तैनात कर दी गई है। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली।